बरसात आने वाली है, बरसात आने वाली है। लीला, तुम बाएं तरफ से झुंड को घेर लो, इधर हम देख लेंगे। वाह, कमाल हो गया। शिकंजे के कारण बिना कोई मेहनत किए ही शिकार पकड़ा गया। हमें बस इसे ले जाना है। पीछे हटो। देखते नहीं इस वक्त ये फंसा हुआ है? इससे हमारे झुंड की बदनामी होगी। क्या क्या कह रहे हो? तुम जानते हो हम सब भूखे हैं। जरा ध्यान से देखो, तुम्हें उसकी हालत पर तरस नहीं आता? बेचारा फंसा हुआ है, माँ और बच्चे उसे छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं।
उसे अकेला छोड़ दो। बस खुलने ही वाला है, खुल जाएगा। ये क्या किया तुमने? हाथ आया शिकार छोड़ दिया। बुद्धू, लीला ठीक कह रही है, ये तुमने अच्छा नहीं किया है मोगली। मैं अपनी जगह ठीक था, जंगल में यही शिकार नहीं, मैं और ढूंढ लूंगा। मैं चला। अच्छा काम करने पर कैसा सुकून मिलता है, मुझे तुम पर नाज है मोगली। सिर्फ तुम्हें ही खुशी हुई है भालू? लीला और उसके साथी समझे कि मैं पागल हो गया हूँ। क्या सोचते हैं इसकी फिक्र मत करो। जानते हो भालू, मैंने उसकी जान क्यों बचाई मुझे खुद ही नहीं मालूम। हम शिकार कर रहे थे, आखिर जीवित रहने के लिए शिकार करना जरूरी है, मगर जब उसे शिकंजे में फंसा हुआ देखा तो ऐसे लगा जैसे वो हमारा ही भाई है, इसीलिए मुझे इस पे तरस आ गया। मैं बताता हूँ, बलवान ही जिंदा रहने के लिए लायक है। कमजोर आगे भागे और बलवान उसे पकड़े, ये तो कानून हुआ। लेकिन तुमने जो किया वो बहुत सही था, क्योंकि हम सब यहाँ रहने वाले जंगल के बच्चे हैं, एक दूसरे की मदद करना हमारा फर्ज है। अरे वाह, धन्यवाद भालू। कभी किसी कमजोर और लाचार प्राणी का नाजायज फायदा मत उठाओ। जब भी शिकार करो याद रखो, कमजोर और ताकतवर दोनों को बराबर का मौका दो, फिर मुकाबला होने दो। आगे निकला सो जीत गया। मोगली कैसे हो? ओ बगीरा, तुम कैसे हो? तुमने हिरन को बचाकर बहुत अच्छा किया मोगली, उसके परिवार को बहुत खुशी हुई होगी। लेकिन तुम कैसे जानते हो? इसमें जानने वाली क्या बात है, मैं तुम्हारे पीछे ही तो खड़ा था, सब देखा मैंने। तुम्हें हिरन को छुड़ाते देखकर सचमुच मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगा मैं ठीक कर रहा हूँ। वो तुम्हारी इंसानियत थी। हाँ हाँ मोगली, पर मैं तुम्हें एक जरूरी सलाह देना चाहता हूँ, हमेशा इतने दयालु मत बना करो। हाँ, मैं कुछ समझा नहीं। कितने भेड़िए होंगे जो तुम्हारी तरह सोचते हैं, जो तुमने किया क्या उनमें से कोई कर पाता? बहुत से भेड़ियों को तो ऐसा ख्याल भी नहीं आता, मालूम है क्यों? क्योंकि वो सब जानते हैं शिकार करना ही उनका मकसद है, रहम करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। वो सोचते हैं तुम जंगल के नियम नहीं जानते, कहते हैं कि तुम मनुष्य के बच्चे हो। वो जलते हैं मुझसे। बस इतना ही नहीं मोगली, वो तो ये भी कहते हैं कि आजकल तुम बहुत घमंडी होते जा रहे हो। नहीं, मेरे बारे में कहने का कोई हक नहीं है उन्हें, मैं अभी जाके देखता हूं उन्हें। पगला कहीं का। लीला रुक जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। क्या बात है? शिकार के समय टोकना कहाँ की अकलमंदी है? पहले तुम मुझे बताओ, मेरे बारे में झूठी अफवाह कौन फैला रहा है कि मुझे जंगल के नियम नहीं मालूम, मैं घमंडी हो गया हूँ। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। सच कह रही हो?
मुझे क्या जरूरत पड़ी है ऐसी बातें करने की? मगर तुम जंगल के नियमों का पालन क्यों नहीं करते? क्या किया है मैंने? बताओ लीला, जंगल का कौन सा कानून तोड़ा है मैंने? बोलो। कमजोर भागते हैं और ताकतवर उन्हें पकड़ लेते हैं। अगर तुम किसी पर दया करोगे तो खुद पकड़े जाओगे। किसी शिकारी को इतना दयालु नहीं होना चाहिए, यही जंगल का नियम है मोगली। मैं समझा नहीं, क्या जंगल के नियम ये कहते हैं कि जीवित रहने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं? ये तुम क्या कह रहे हो? मेरी मानो, जंगल के नियमों का पालन करो वरना शेर खान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। लीला, ये बेकार की बातें करना बंद करो, अपने पंजे से अभ्यास करो और एक अच्छे शिकारी बन के दिखाओ। हमला, हमला! किसी ने हमला कर दिया। हमारे एक साथी पर भैंसे ने हमला किया है। वो बहुत घायल है, सभा स्थान पर चलो सभी जल्दी। भैंस ने एक भेड़िए पर हमला कर दिया। बहुत बुरा हुआ, जब ये बेचारी अपने बच्चों के साथ अकेली थी तब दो भैंसों ने इस पर हमला कर दिया। ये अपने बच्चों को बचाने के लिए उनसे लड़ पड़ी लेकिन हार गई। ये तो बेचारी शिकार भी नहीं कर रही थी। ये तो अच्छा हुआ हमने उसकी आवाज सुन ली, जैसे तैसे भैंसों को भगा दिया। मगर हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, जरूर बदला लेंगे। बिल्कुल ठीक, हम उन पर हमला करेंगे। वो हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। बदला? हाँ। हाँ? हम लड़ेंगे उन दोनों भैंसों को, नहीं छोड़ेंगे, बदला लेंगे उनसे। हाँ, नहीं छोड़ेंगे। चलो साथियों मेरे पीछे आओ। चलो चलो, उन भैंसों को ऐसा समझाएंगे जिंदगी भर याद रखेंगे। क्या बात है, शिकार करने क्यों नहीं गए? तुम ही बताओ बगीरा, क्या मैं कभी सच्चा भेड़िया नहीं बन पाऊंगा? मैं काफी देर से सोच रहा था, लीला भी यही कहती है, इस जंगल में या तो जानवर शिकार बनते हैं या फिर करते हैं। जो ऐसा नहीं करते क्या उन्हें जंगल में जीने का कोई हक नहीं? बगीरा, ये कैसे नियम है जंगल के? मानता हूं अभी मेरे पास तुम्हारे सवाल का कोई जवाब नहीं मोगली। मुझे थोड़ा समय दो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा। भालू ने मुझे बताया था कि हम सब जंगल के बच्चे हैं और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, लेकिन भेड़िए ऐसा क्यों नहीं सोचते? मोगली रुको, मेरी बात तो सुनो। हाँ, ये तो इसका दोस्त है। अभी ये क्या करने लगा है?
तुम्हारा पैर कैसा है? अब तो ठीक लगता है। तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? तुमने उन्हें शिकंजे के बारे में बताया कि नहीं? मैं मोगली हूँ, मुझे नहीं पहचाना? हाँ? इसे क्या हुआ? लगता है ये मोगली से लड़ना चाहता है। मोगली, हम आ गए हैं। देखो, तुम अकेले इससे नहीं जीत पाओगे। हट जाओ पीछे, इसे हम देखेंगे। रुक जाओ, ये लड़ाई मेरी और उसकी है। तुम बीच में मत पड़ो, हम दोनों आपस में निपट लेंगे। अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो आगे बढ़ो। कमाल कर दिया। शाबाश। मुबारक हो मोगली। बहुत अच्छे मोगली, हमारी मदद की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज तो दावत होगी, मोगली ने अकेले ही लड़ाई जीती है। तुम जीत गए हो मोगली। मोगली, ऐसा कानून है जंगल का, जिसे बचाया उसे ही मार दिया। ये सब क्या है?
बेचारा मोगली बहुत उदास लग रहा है, क्या बात है? रुको भालू, उसे अकेला छोड़ दो, उसे बहुत कुछ सोचना है। अच्छा, क्या? कुछ भेड़िये उसे दोबारा ताने देने लगे हैं, कहते हैं वो मनुष्य है भेड़िया नहीं। पर ऐसे तो उसका दिल टूट जाएगा। नहीं भालू, भले ही उसके दिल में कमजोरों के लिए दया हो, लेकिन देखना वो एक बहुत अच्छा शिकारी बनेगा। जरूर। जंगल जंगल बाट चली